उपमंडल बंगाणा के तहत जमासनी मन माता मंदिर में एक बार फिर से चोरों ने सेंध लगाई और मंदिर में रखे सामान की तोड़फोड़ की और छुटपुट सामान को ले जाने में चोर कामयाब रहे। गत वर्ष भी बरसात के मौसम में जमासनी माता मंदिर में चोरों ने सेंध लगाई थी। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य सामान को ले उड़े थे। इसके उपरांत क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। हर तरफ चोरी की वारदातें सुनने को मिल रही थी, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित रही। मंगलवार को हुई चोरी की वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस ने मंदिर में हुए सामान की चोरी की जानकारी ली। मंदिर प्रबंधक ने बताया कि चोर मंदिर से दो पंखे समेत अन्य सामान ले भागे हैं। वहीं मंदिर में रखी गुल्लक और माता की तांबे की मूर्ति को भी ले जाने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो ले जाने में नाकामयाब रहे, लेकिन उन्होंने मूर्ति को खंडित कर दिया है। जमासनी माता मंदिर कमेटी की सचिव सीमा शर्मा से पूछते हैं कि चोरी कैसे हुई। हाँ जी, गत रात्रि चोरों ने जमासनी माता मंदिर कमेटी में तोड़फोड़ की। गेट के ताले को तोड़ा गया, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया, गल्ले को भरपूर तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वो प्रयास उनका सफल नहीं रहा और उन्होंने माता की पीतल की मूर्ति को उखाड़ा और मंदिर के पिछली साइड फेंक दिया और बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बंगाणा से जोगिंदर देव आर्य की रिपोर्ट।